कहा कि एक कार्यालय में प्रत्येक कर्मचारी के वेतन में 4:5 के अनुपात में वृद्धि कर दिया गया, ठीक है ना। पहले कर्मचारी का वेतन कितना था? 4 था। ध्यान दीजिए समझने का मतलब, पहले कर्मचारी का वेतन कितना था? वेतन लिख देता हूँ, वेतन। पहले कर्मचारी का वेतन कितना था? 4 था। अब कितना हो गया? 5 हो गया। पहले 4 था, पहले एक आदमी को 4 रुपया मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है? 5 मिल रहा है। दूसरा स्टेप क्या बोल रहा है कि कर्मचारी की संख्या 5:3 के अनुपात में कमी हो जाती है। पहले कर्मचारी 5 था, कितना था? 5 था, अब कितना हो गया? 3 हो गया। पहले कर्मचारी 5 था, अब कितना हो गया? 3 हो गया, जिससे कंपनी को 60,000 रुपया की बचत होती है। कंपनी को कितना बचत होती है? 60,000 रुपया के। अब देखिए कंपनी खर्च कितना करती है। देखिए पहले एक आदमी को 4 रुपया देता था, कर्मचारी कितना था? तो कुल वेतन निकाल दूं यहां से, कुल वेतन कैसे निकलता है? एक आदमी को 4 रुपया मिलता था, पहले एक आदमी को कितना मिलता था? 4 रुपया मिलता था, और कर्मचारी कितना था? 5 था। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? टोटल वेतन कितना हो जाता था? 20 हो जाता। बात समझ रहे हैं ना? पहले एक आदमी को 4 रुपया मिलता था और कर्मचारी कितना था? 5 था, तो 5 × 20 हो गया। अब कर्मचारी वेतन क्या बढ़ गया? अब वेतन मिल रहा है 5 रुपया, कितना मिल रहा है? 5 रुपया। लेकिन कर्मचारी क्या हो गया? कम गया। अब कर्मचारी तो 3 ही है, तो 5 × 3 = 15 रुपया। अब इसको भी काट सकते हैं 5 से और ये 3, तो कुल वेतन पहले कितना खर्च करता था? पहले 4 रुपया खर्च करता था, अब कितना खर्च कर रहा है? अब 3 रुपया खर्च कर रहा है। तो बचत कितना का हुआ? 1 रुपया का ना, बचत 1 रुपया का हुआ। यही 1 रुपया 60,000 के बराबर है। बात समझ में आ रहा है ना? यही 1 रुपया 60,000 के बराबर है। तो क्या बोल रहा है? कंपनी प्रारंभ में कितना रुपया खर्च करते थे? प्रारंभ में कितना करता था? 4 रुपया करता था, तो 4 बराबर कितना? तो 60,000, ठीक है ना, बट्टा 1 × 4, 6 × 24 हो गया भाई, है ना, तो 2,40,000। कितना खर्च करता था पहले? 2,40,000।